सो हे गाइस, नमस्कार। मैं हूँ शुभम। और गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये एक बैचिंग प्लांट है जहाँ से कंक्रीट बनती है। दोस्तों, ये उसका ऑपरेटर रूम है। आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरह का होता है और यहाँ पे हमारा ऑपरेटर वाला बंदा बैठता है, ठीक है, जो कंक्रीट बनाता है। सामने आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसमें कंक्रीट बनती है हमारी, और यहाँ पे डेली हमारी जितनी MQ में रिपोर्ट होती है उसमें प्रिंट होती है, ठीक है। जो भी बैच वो बनाता है वो यहाँ से प्रिंट होता है। 1 MQ ये जो है, फिलहाल जो आपको दिखा रहा हूँ ये मशीन, ये एक बार में आधा MQ मटेरियल निकालती है, मतलब आधा MQ कंक्रीट निकालती है। और मिनिमम M20 ग्रेड से लेकर जितने भी ऊपर लेवल के होते हैं उन सबका ग्रेड का ये निकाल सकती है। दोस्तों, ये पंप कंक्रीटिंग बेस्ड मशीन है, ठीक है, मतलब ये पंप से कंक्रीट को सप्लाई करती है। देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ से कंक्रीट गिरता हुआ है, इसके अंदर मिक्स होता है, ठीक है, उसके बाद से उधर गिरता है, और इधर से गिरने के बाद ये इस लाइन से होते हुए, ये पाइप से होते हुए जो भी कॉलम वॉलम डालने होते हैं, ऊपर देख सकते हो आप लोग, सरिया और ये बंदी है, शटरिंग लगी है, उसके अंदर कंक्रीट से इस पाइप से जाके कंक्रीट उसमें भरा जाता है। ऊपर देखिए लेबर लगे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आए दोस्तों, इतनी चीज़ आप समझ गए। इसके अलावा गाइस, हमेशा जो भी आपका ये प्लांट होता है उसमें एक AC लगी रहती है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि इस मशीन को ठंडा रखती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा गाइस, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, सारी ऑटोमेटिक चीज़ें, वो यहाँ पर लगी होती है। इसको खोलोगे आप तो गाइस यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह का, इसकी मशीनरी है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, तो ये गाइस देख सकते हो, ये पूरी इसकी मशीनरी है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, और कुछ ये चीज़ें होती हैं गाइस। और बाहर से अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ दोस्तों, तो ये हमारा प्लांट कुछ इस तरह का होता है। आप लोग देखोगे, ये देख सकते हो गाइस, इसमें 20 mm इसमें सैंड, और उसके अंदर आपको 10 mm गिट्टी डाली जाती है, जिसका वेट हमको यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। तीन चीज़ों का यहाँ पे वेट आता है हमारा, 20 mm सैंड और हमारा 10 mm जो गिट्टी होती है, उन तीनों का वेट यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा सीमेंट जो होती है, सीमेंट दोस्तों ऊपर वहाँ हॉपर से गिराई जाती है ऊपर से, ठीक है। इसके पीछे एक वहाँ पे गोदाम है सीमेंट का, वहीं से सीमेंट डाली जाती है, ऑटोमेटिक ऊपर से गिरती है इसमें। इसके अलावा गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ड्रम रखा हुआ है, यहाँ पे ड्रम से केमिकल डाला जाता है। ये जो आप लोग देख सकते हो, ये जो दिख रहा है आपको, इसके माध्यम से अंदर केमिकल गिराया जाता है, ठीक है। केमिकल मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर, जो कंक्रीट में मिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों डाली जाती हैं। और इसके अलावा गाइज, यहाँ पे अगर मुझे इसके बारे में बताऊँ तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मगर इतना आपको बता सकता हूँ, ये देखिए, इससे Aggregate 1 डाला जाता है। Aggregate 1 मतलब 20 mm, ठीक है। जो भी हॉपर बाहर रखे हुए हैं, उधर मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये वाले जो हॉपर हैं, अंदर इसके अंदर भरा जाता है JCB से, ठीक है। इसके अलावा गाइज, यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो है हमारा, इसमें आपका तीन चीज़ों का वेट आता है एक एक करके। यहाँ पे Aggregate 1 देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए Aggregate 1 लिखा है, इसका मतलब हुआ हमारा 20 mm, ठीक है। यहाँ पे सैंड है जो बीच वाले हॉपर में डाला हुआ है, और यहाँ पे Aggregate 2 मतलब 10 mm, ठीक है, जो कि सबसे इधर वाले हॉपर में डाला गया, ठीक है। पीछे बाहर की तरफ तीन हॉपर हैं वहाँ पे, ओके। और इसके अलावा गाइज, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए यहाँ पे ये होता है डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। सब डिस्चार्ज करने का मतलब हुआ कि इसमें डालना, ठीक है, मतलब जब वहाँ से सारा मटेरियल आ रहा है, इसके अंदर गिर रहा है, डिस्चार्ज मतलब इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर उसको मिक्स करते हैं, मिक्स यहाँ पे ड्रम मिक्सर यहाँ से मिक्स होता है, इस बटन को दबाने से, और इसको घुमा देते हैं, तो या फिर इसको घुमाते हैं, जिसकी वजह से वो डंप कर देता है सारा मटेरियल हमारा उसमें, ठीक है। वहाँ पे सब गिर जाता है, वहाँ देखिए जाली लगी है, बड़ी गिट्टी जो होगी वहाँ पे छन के ऊपर आ जाएगी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, उधर देखिए पड़ा हुआ है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे क्यूब भी भरा जाता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्यूब रेडी है, ठीक है, अभी लेबर आके उसे भरेगा। और ये हमारा कुछ प्लांट है, ऊपर देखिए उधर सुपर प्लास्टिसाइजर रखे हुए हैं, ठीक है, और इधर हमारी 10 mm गिट्टी रखी हुई है। तो गाइज, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। एक बार में इस प्लांट की कैपेसिटी है आधे MQ मटेरियल निकालने की, ठीक है, आधे MQ मटेरियल बनाने की, यानी दो बार जब ये आधा आधा करके बनाएगा तब जाके 1 MQ मटेरियल बनेगा हमारा कंक्रीट, ओके। सो गाइज, इतनी चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा गाइज, मैं एक बार बाहर से आपको दिखा देता हूँ, ये गाइज आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़ारा है, ओके। और यहाँ पे आप लोग ये देखिए, ये हमारा प्लांट है, इस तरह का कुछ सीन है। इधर देखिए हमारी सैंड रखी हुई है, और इस गिट्टी के जस्ट उधर हमारी 20 mm रखी हुई है। ये हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर के डब्बे रखे हुए हैं, यहाँ पे क्यूब सारे रेडी हैं, अभी भरा जाएगा, जब उसमें मटेरियल गिरेगा यहीं से मटेरियल लेके इसमें भरा जाता है। और वहाँ सामने JCB है, जिससे मटेरियल जो होता है वो पीछे डाला जाता है, इसके पीछे, ठीक है, मटेरियल जो हॉपर है उसके अंदर। तो भाई दोस्तों, अब इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे।
गाइज एक चीज़ और आप मैं आपको बता दूं, यहाँ पे M25 फिलहाल हमारे साइट पे जो है कंक्रीट बनती है, यहाँ पे आप लोग उसका ग्रेड देख सकते हो गाइज, कुछ इस तरह का यहाँ पे ग्रेड है, इस तरह से इस रेशियो में मिक्स किया जाता है। यहाँ पे सीमेंट, सैंड, 20 mm, 10 mm, वाटर, सुपर प्लास्टिसाइजर और टोटल मटेरियल की डेंसिटी कितनी होती है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1 MQ में कितना मटेरियल जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या उसका वाटर सीमेंट रेशियो होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर और सीमेंट का रेशियो बाय वेट कितना है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ मेन चीज़ देखिए, इस रेशियो में मिलाया जाता है हमारा कंक्रीट, इसी रेशियो में बनाया जाता है। इसका एक सर्टिफिकेट होता है, हमें एक डिज़ाइन दिया गया है जिस हिसाब से हम इसमें प्लांट में इसी हिसाब से हम कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जैसा यहाँ पे हमारा ग्रेड है ये, इसी हिसाब से हम यहाँ पे कंक्रीट बनाते हैं इसके द्वारा। गाइज यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की डेली की रिपोर्ट होती है हमारी। यहाँ पर देखिए जैसे 4 तारीख है, 4 तारीख को ग्रेड M25 गिरा है, कितने MQ गिरा है, 9 MQ गिरा है। और यहाँ पे स्लरी 5 बैग गई है, 5 बैग मतलब लगभग 250 kg, ठीक है, सीमेंट गई है। इसके अलावा किस ब्लॉक में क्या काम हुआ है उससे, एफ ब्लॉक में हमारा रैम्प पड़ा हुआ है, ठीक है। सो गाइज ये चीज़ है यहाँ पे। इसके अलावा गाइज ये जो होती है यहाँ पे स्लरी, आपको समझ में नहीं आ रही कि स्लरी क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, जब भी हमारा प्लांट चालू होता है, ठीक है, तो ये जो होता है ये जाम हो जाता है, पूरा कंक्रीट की हार्डनेस की वजह से जाम हो जाता है। तो शुरुआत में हमको इसके अंदर से स्लरी पास कराई जाती है, जिसमें सीमेंट होता है और साथ ही साथ हमारा वाटर होता है, उसको जो भी स्लरी होती है वो हमारी इस पाइप को फ्रिक्शन लेस कर देती है। तो हमारा इसमें क्या होता है, इसमें जब भी मतलब मटेरियल इससे आसानी से पास हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से पहले एक बैच स्लरी डाली जाती है, उसके बाद से आधा एम क्यू कर करके कंक्रीट पास की जाती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आई होप आप दोस्तों समझ गए होंगे, और इसकी इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें मैं आपको कुछ नई वीडियो में बताऊंगा। इतनी चीज़ें जान लो कि यहाँ पे जो भी रिपोर्ट होती है वो डेली बनती है, डेली बेसिस पे, और यहाँ से प्रिंट होती है, ठीक है, जिसे DPR में लिख के हमें कंपनी तक पहुँचाना होता है, ठीक है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की मैं यूनिक वीडियो यूट्यूब पर लाता रहूँगा। दोस्तों आप सबको बता दूं, इस तरह की वीडियो कहीं भी YouTube पे आपको नहीं मिलेगी, जो इतनी आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया एक एक चीज़ें। अगर आप भी साइट पे जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझने में आपको काफ़ी समय लग सकता है, मगर आप इजीली समझ सकते हो। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, आप सारी चीज़ें समझ गए होगे कि साइट पर कैसे हमारी कॉन्क्रीट पास होती है, ओके। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए तो यार सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ओके। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।